वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु सच, आज जो बोलूंगा वाहिगुरु सच बोलूंगा। वाहिगुरु शरीर का मरना मौत नहीं, जमीर का मरना मौत है। दमदमी टकसाल के 14वें मुखी संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरा वाले। वाहिगुरु मैं जानता हूं वाहिगुरु मुझसे भी गलती हुआ है, और वो गलती क्या है सारे संगत के बीच में रखने जा रहा हूं वाहिगुरु एविडेंस के साथ। बिना एविडेंस के कोई वाहिगुरु बात नहीं करूंगा। वाहिगुरु पहला फोटो रमनदीप सिंह मंगू मठ का, एक दिन पहला जब मैं मुंबई से निकला फौज के साथ लुधियाना। मेरे साथ ये बंदा था, ये वीर मेरा छोटा भाई और मैं, हम गए थे वाहिगुरु लुधियाना में। और ये सबसे पहला फोटो है फेसबुक का जो मेरे बाजू में खड़ा है। ये बंदा उस दिन पहली बार मिलता है मेरे को, जो डेट है नीचे 9 मार्च 2022। अगर इसने 5 मार्च 2022 का एक फोटो दिखा दिया ना मेरे साथ खड़े रहकर, एक फोटो, क्योंकि ये गीदड़ दोगला अभी जेल में, और महाराज इसको रखेगा जेल में क्योंकि इसने गुरु नानक देव जी के नाम पे पैसा कमाया है, मंगू मठ के नाम पे। वाहिगुरु विद एविडेंस, एविडेंस भी दूंगा मैं कि कैसे कमाया है, कैसे लिया, क्या लिया। अब एक बात, ये 5 साल पुराना दोस्ती बोलता है मेरे बारे में, 2022 का ये पोस्ट जहां पर ये लुधियाना का ही संगत है, ये सारे जितने ये सानेवाल जी सारे जितने लुधियाना के सारे सिंह है, और ये जितने भी सिंह ये वीडियो देखेंगे ना उनको मालूम है ये सच्चाई, ये दिन का सच्चाई। और ये देखो दूसरा पोस्ट, लुधियाना पंजाब पुलिस के साथ, ऐसे हम लोग रिटर्न गए वाहिगुरु अमृतसर साहिब। ये उसका डेट भी है, देखो काम आता है, ऑन द वे टूवर्ड्स हरमंदर साहेब। वाहिगुरु इसके पहले मैं इस दोगले को कभी जानता ही नहीं वाहिगुरु, ना ये मेरे साथ में कभी जिंदगी, मुंबई तो बहुत दूर की बात है, जिंदगी में कभी आया नहीं दिल्ली से बाहर, क्योंकि इसको सिर्फ एक चिपका मेरे साथ। आज मेरे को एक चीज बोलना है वाहिगुरु कि क्या हुआ है। ये बंदा बोलता है वाहिगुरु नहीं मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, कभी हाथ काटता था वाहिगुरु, मेंटली टॉर्चर किया है कि मेरे लिए मेरा बाप तू ही है। सबूत दे रहा हूं वाहिगुरु, बिना सबूत का बात नहीं करना है। ये वाहिगुरु 13,013 रुपए बाबे नानक जी का वो आंकड़ा वाहिगुरु 13,013 किसके लिए दिया मालूम है, वो भी मैं दिखाता हूं किसके लिए दिया। एविडेंस होना बहुत जरूरी है। क्या नाम लिखा है ये, रंजीत सिंह। ये अमाउंट है फीस का, परमजोत कौर उसकी बेटी का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम नैन्सी, जो आज बहुत बोल रही है वाहिगुरु कि मैंने सुअर खिलाए, मैंने जंगली सुअर खिलाए वगैरह वगैरह। ये अमाउंट फीस, गुरनूर कौर, इन लोगों के बच्चों का फीस वाहिगुरु वो 13,000 में कटा है। 4,000 9,000 फीस था, 4,000 वो भी दे दिए, नया मोबाइल वो भी दे दिए, 5,000 वो भी दे दिए। एक अगर पैसा अगर उसके बीच में हिसाब किताब एक रुपया भी अगर हुआ रहेगा ना, मैं धोखेबाज वाहिगुरु मेरे पंथ का। इसके लिए आज वो अंदर है, मैं अमृतसर साहिब में हूं, आज वो अंदर है मैं बाहर हूं, मैं गया नहीं जिद पे कि मेरे को रुकना ही है इधर, सच ही चूलेगा वाहिगुरु। और ये ना सोचो शहीदी पहरे है मेरे साथ, हाँ मैं बीच में डोल गया था, थोड़ा कमजोर सा लग रहा था, लेकिन मैं गिरा नहीं। मेरा दसम महाराज का शब्द सुना, जफरनामा सुना, देश शिवा बरवय सुना, मैं गिरा नहीं वाहिगुरु। अब इससे एक और बड़ा एविडेंस जो कि वो दिखाना भी जरूरी है कि विकी थॉमस यानी मैं सिंह, मैं अमृतपाल को मारने के लिए बंदूक 25 लाख रुपया मैं 3-3 बंदूकें लिया। एक भी वाहिगुरु एविडेंस या एक भी ये सोच, ये नीच सोच मेरे जिंदगी में कभी मेरे दिमाग में नहीं आएगा। 20 तारीख 2022 के पहले वाहिगुरु मैं हाँ मेरे को एक चीज नहीं पसंद था वाहिगुरु, जीसस के बारे में स्टेटमेंट बोला वो मेरे को नहीं पसंद था, हाँ वाहिगुरु मैं नफरत करता था, लेकिन जब अमृत शक्ति ना पांच प्यारों का एक फैसला है, पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, माता साहिब कौर देवाचार नूर, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुजार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, खालसा पंथ, खालसा मेरा रूप है खास, खालसा मैं करूं निवास, मेरे लिए मेरा भाई हुआ अमृतपाल सिंह, मेरा छोटा भाई, उम्र से छोटा है, मेरा छोटा भाई हुआ वाहिगुरु,
मैं गलत नहीं करूंगा वाहेगुरु उसके साथ, लेकिन ये दोगला उसको कवच बनाकर मेरे पे इंजाम लगा रहा है वाहेगुरु, एक भी प्रूफ, क्योंकि मैं तो अभी मानहानि का केस करने जा रहा हूं इसके ऊपर, क्योंकि मैंने तो कभी कुछ नहीं किया है, ना अमृतपाल के खिलाफ करने का मैंने साजिश रखा है, ना इस जन्म में पीठ पीछे कभी वार ना करूं। मैं अमृतपाल को मुंह पे बोलूंगा कि ये चीजें हैं जो कि गलत किया है, मैं पीठ पीछे कभी वार ना करूं। वो भी पंथ का सेवा कर रहा है, मेरा भी मॉरल ऑफ द स्टोरी एक, मेरा सपना एक, पूरे वर्ल्ड में खालसा राज, मेरा सपना, मेरा सोच, मैं कभी वाहेगुरु उसको गिराऊ ना। वो भी इनके राह पे तुर रहा है, हम भी वाहेगुरु इनके राह पे तुर रहा है, शहीदी पैरे दोनों के लिए। मेरे को ना उसके ऊपर जाना है, उसके नीचे रहना है, वो अपने जगह पे, मैं अपने जगह पे, लेकिन ये बीच में आया बाना डाल के। अब ये वीडियो देखो, ये अपने मुंह से क्या बोल रहा है, ये वीडियो देखो। दूजी कौम दा बंदा विक्की थॉमस, ओ मेरे घरे राशन ओह पहुंचा रहा, मैं फोन करदा हुण, मैं फिर फोन करा भी भाई पहला भी जमानत तू कराई जदों मैं राजीव गांधी दे पुत नूं अग लाई सी, जदों ओ पग दी विध भी करदा सी मंड, हुण ओ मैनूं कहूगा भी साडी कौम दा बंदा कोई भी नहीं तेरे नाल खड़दा, तू यार सानू ओ एदा सोचदा भी कितने मैनू हरासमेंट करदे भी जान के मैनूं फोन करदे आ, पर मैनूं कोई मदद ही नहीं करदा पिया। मैं फिर विक्की थॉमस नूं फोन करांगा, मैं ओनू फिर कहूंगा भी भरा मेरी जमानत नहीं हो रही, ऐसी मां काल भी बेचारा मेरे नाल आ, सिंह चढ़दी कला दे विच इक मैं आ, दो बंदे दे परचा होया जिहड़े बंबे दे सिंह आ, जिहड़े कहिंदे आ भी सिखां दी बहुत माड़ी हालत आ, विक्की थॉमस दूजी कौम दा बंदा, अपने बंदिया दी मदद करो, ते मैं कहना साडी मदद क्यों नहीं करदी, तां फोन करके भी दसता, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਬਾਈ, ਜੇ ਬਾਹਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਮਾਨਤ ਕਰਾ ਦੇ। ਮੈਨੇ ਭੇਜਾ ਇਸਕੋ ਐਸਾ ਯੇ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਬੋਲੂ ਮੈਨੇ ਇਸਕੋ ਭੇਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਬੋਲੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਇਸਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਬੋਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 52 ਬਚਨ ਹੈ ਵੋ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਨਾ ਜਬ तो वाहेगुरु वो सच पे ही तुरना है। 20 तारीख के पहले वाहेगुरु ये मेरे से मिलता था तो ये वाहेगुरु नशा करता था, मेरे को मालूम था, लेकिन इसने भीख मांग के वाहेगुरु क्या कहा है मालूम है, इसके घर वालों के सामने ही कहा है कि मैं बदलूंगा। इसके घर वालों को भी मैंने बोला अब तुम भी पूरे परिवार अमृत छक लो, सिंह सजो, मैं जब दूसरे धर्म का हो सकता है, जब इसने मेरे को बोला अमृत छक ले, अमृत शक ले, मैंने शक लिया, मैंने इसके कहने पे नहीं, महाराज का हुक्म था करके ले, मैं घर से निकला क्रिसमस के 5 दिन पहले, अमृत शक लिया, हजूर साहब अब चल लगे नांदेड़ में, लेकिन ये इसके पहले जब नशा करता था मेरे को चलो ठीक है एडजस्ट कर लिया, सुधरेगा आज नहीं तो कल, क्योंकि जब मैं सुधर सकता है ये क्यों नहीं सुधर सकता है, मेरे को तो अभी 2-3 साल पहले मालूम पड़ा इस पंथ के बारे में, लेकिन ये कभी नहीं सुधर सकता वाहेगुरु।